चलिए आज 1 दिसंबर के डेली क्विज़ और IDFC बैंक और परी मैच दोनों के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले डेली क्विज़ IDFC बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन, इडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता। पहले IDFC क्विज़ का ऑप्शन ए राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन आ गया है डेली क्विज़ का, मालगुड़ी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस लेखक ने लिखी है लिखी? तो इसका सेकंड का ऑप्शन बी हो जाएगा, RK नारायण, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया है, महाराष्ट्र राज्य का आधिकारिक रूप से गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी 1960 में, चौथा क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो ऑप्शन चौथे का ऑप्शन ए सही है, बैरन द्वीप, बिल्कुल राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं डेली क्विज का पांचवा क्वेश्चन आ गया, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन डी महानदी पर बना है। चलिए अभी हम लोग परिमैच की ओर बढ़ते हैं। परिमैच का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल किस वर्ष में शुरू हो किया गया था? ऑप्शन ए 1975 में, 1975 राइट आंसर है। डेली क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। परिमैच का दूसरा क्वेश्चन आ गया है, किस शहर में द इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रोम राइट आंसर है। सेकंड परिमैच का आंसर ऑप्शन ए है। तीसरा परिमैच क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है? ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल। परिमैच के तीसरे का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चौथा परिमैच क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार देता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। चौथे परिमैच का आंसर डी है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 5 जून राइट आंसर है, पांचवे का ऑप्शन बी। थैंक यू।